मैं डॉक्टर श्यामलाल हर्ष आज मैं बायोपेस्टिसाइड बना रहा हूँ। आप देखिए किस तरह से बायोपेस्टिसाइड बनता है और इसका बहुत ही उपयोग है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इधर कि ये नीम की पत्तियाँ हैं, या आप देख रहे हैं कि नीम की पत्तियाँ हैं, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ये नीम की पत्तियाँ हमने इसके अंदर, ताज़ी नीम की पत्तियाँ थी वो हमने इसमें डाल दिए। ये जो आप देख रहे हैं ये एलोवेरा है। ये एलोवेरा दो तरह के होते हैं, एक तो खाने के योग्य होता है और एक ये दवाई के लिए काम आता है। इस एलोवेरा को भी इसके अंदर डाल दिया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं वो आखिरी ही पत्ती है, केराटोपिस प्रोसेरा है, ये भी हम इसके अंदर डाल दें। ये जो आप देख रहे हैं वो सोनामुखी है, कैसियांगोसिफोलिया, क्योंकि इसको भी क्या है कि जानवर खाते नहीं, इस पर कोई बीमारी नहीं होती है, ये भी बायोपेस्टिसाइड के लिए बहुत अच्छा काम करें। तो इसको भी हम क्या करें इसके अंदर डाल दें। इसको हम क्या करेंगे कि कम से कम आधे घंटे तक इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने से क्या होगा, जब ये आधा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे इसको छान लेंगे, और छानने के बाद में हम इसको, ये हम क्या कि इसके अंदर कुछ पानी भी डाल दिया ताकि कम से कम क्या है कि वो उबलता रहे। और इसके बाद में आप देखेंगे कि हम इसके अंदर आप चाहो तो जब छान लें आप इसको उबलने के बाद में, छानने के बाद में आप क्या करें कि इन बोतलों के अंदर भर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले इसको तैयार किया है। इसके अंदर हमने एक और काम किया था कि इसके अंदर जो ये भरने के बाद में हम इसको गौमूत्र में के अंदर भी कुछ दिन के रखा ताकि ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड बायोपेस्टिसाइड का काम करने लग जाए। तो इसके अलावा आप इसके अंदर चाहें तो बाद में जब ये वो बॉइल हो जाए तो छान के उसके बाद में आप चाहो तो ये जो आप तंबाकू देख रहे हैं इस तंबाकू को भी हम मिला सकते हैं। आप चाहो तो लहसुन की चटनी मिला सकते हैं, आप चाहो तो हरी मिर्ची को मिला सकते हैं। और इसको फिर आप इसको किया कि करीब 5 ml लेके 1 लीटर पानी के अंदर डाल के इसको आपको क्या करना है, जो प्लांट बीमारी के हैं चाहे मिलीबग है चाहे कोई भी हो इंसेक्ट, उसको मारने के लिए काम आएगी। तो ये था हमारा कैसे हम बायोपेस्टिसाइड बना रहे। तो आप देख रहे हैं कि ये बॉइल होता रहेगा और इसको हम इसको तक रख देते हैं और कुछ समय बाद में इसको हम छान के काम में लेंगे, तुरंत हमारे ये काम आ जाएगा। और आप चाहो तो और अच्छा बनाना है इसको, तो आप क्या है कि इसको है वो गौमूत्र के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये था मेरा आज तारीख 20 तारीख, और अब 20 अप्रैल लॉकडाउन हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ में मैं शेयर करूं। तो मैं डॉक्टर एस एन हर्ष, आज मैंने ये काम किया है 20 अप्रैल को। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि